हेलो मेरे किसान भाइयों ने, राम राम। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2024-25 शुरू हो गई है। 50% आपने सब्सिडी मिलेगी और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपने इंतजार था कि सुपर सब पर सीडर पर जो है सब्सिडी कब मिलेगी। आप कई दिन तक पूछो थे भाई बता दे, तो आपका तो सब्सिडी आ गई है भाई। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन किए जाएंगे और आवेदन की जो अंतिम तिथि है 31/7/2024 रहेगी। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जो सब्सिडी है वो 50% मिलेगी। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले कहाँ आवेदन करना वो बता देता हूँ। आपको साइट खोलनी है, क्रोम ब्राउजर में जाके और सर्च करना है एग्री हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, एग्री हरियाणा आपको सर्च कर लेना है। फिर ऊपर ऊपर जो साइट आवेगी उस पर क्लिक करके अपना जो है ये तीन डंडे जो मुद्दे पड़ रहे हैं, अड्डे पड़ रहे हैं, इन पर क्लिक कर दियो। फिर अपना साइड में जियो, क्योंकि अपना काम तो इस कॉर्नर का है, फार्मर कॉर्नर पर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर दिया आपने सेमी जो है अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सेमी दो ये ऑप्शन आ जाएंगे, अप्लाईकेशन फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी एंड इक्विपमेंट अंडर क्रोम रिड्यूस CRM। तो CRM के तहत दोस्तों ये आवेदन हो रहे हैं 2024-25 के लिए। इसमें दोस्तों हरियाणा एग्रीकल्चर स्कीम जो है फार्मर्स को 50% आपको इसमें सब्सिडी दी जाएगी। मेरा व्यवहार पोर्टल पर आपका जो है करंट सीजन का रबी और खरीफ का 2024 एलिजिबल होने चाहिए, यानी आपके नाम पे जो जमीन है उसके हिसाब से दी जाएगी और 2024 का जो आपका खरीफ और रबी की जो फसल है उसके हिसाब से दी जाएगी। तीन मशीन ऑफ बाइलिंग यूनिट एंड एनी अदर मशीन। एक तो दोस्तों आप देख सकते हैं सुपर सीडर है, दूसरी सार मास्टर रोटरी स्लेसर, तीसरा बाइलिंग मशीन है और चौथा दोस्तों आप ये देख सकते हैं स्ट्रो रेक है। तो मैं आपको इन सब की इमेज भी दिखा देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इनकी जो इमेजेस हैं ये है भाई एक की। तो दूसरे की आपको दिखाऊं बेलिंग मशीन की, तो आप ये देख सकते हैं बेलिंग मशीन की जो इमेज है मेरे प्यारे साथियों, ये बेलिंग मशीन की इमेज है। तो भाई आप ये देख सकते हैं 50% आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी और जो सब्सिडी आपको डिपार्टमेंट ने जो रेट फिक्स कर रखे उसके हिसाब से मिलेगी और 12% GST जो भी आपको मिनिमम पड़े। फिर आपने दोस्तों आ रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म पर क्लिक कर देना है और इस पर जो है आपने देखा दूँ मैं किसके भरना पड़ेगा आपका जो भी घोषणा पत्र हो। मैं जिस तरह आपका जो भी नाम है MK उत्तर श्री सतवीर गांव जिला हिसार की घोषणा करता है मेरे द्वारा अनुदान, आधार कार्ड नंबर आपका डालना है, फिर आपने अपना नाम डालना है, सॉरी मेरे नाम जो ट्रैक्टर की जो तिथि है जो आपका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो डालनी है और ट्रैक्टर का नंबर डालना। तीन साल लग आपने कोई भी सब्सिडी नहीं ले रखी किसी भी यंत्र पर और मेरा ब्यौरा की संख्या डालनी, आपके साइन, गाँव का नाम, जिला, मोबाइल नंबर डालना दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दियो। फिर परिवार का नंबर डालियो, फैमिली डिटेल पर क्लिक करियो। आगे की जो प्रोसेस है दोस्तों आपने नई वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे, चैनल पर नहीं तो आप चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले स्टिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ भी पूछना कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सहायता के लिए बना रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जरूर ज्वाइन करें।